गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम हमारे यूनिट नंबर 6 का आखिरी टप्पा है, जो लास्ट का पॉइंट है वो यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं। अब इसमें लास्ट के पार्ट में यूनिट नंबर 6 च्या शेवटच्या भागात अपन काय अभ्यासणार आहोत हे थोडक्यात आपल्याला अभ्यासायचे आहे। इसके बाद हम देखेंगे पहला आज के लेक्चर में आजाद हिंद सेना, आजाद हिंद सेना के बारे में हमें पढ़ना है। आजाद हिंद सेना, जब हम नाम सुनते हैं तो हमें डायरेक्टली किसका नाम याद आता है, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नाम याद आता है। अब नेताजी सुभाष चंद्र बोस का बहुत बड़ा रोल है इंडिया को फ्रीडम दिलाने में। अब उनके बारे में ज्यादा नहीं पढ़ाया जाता, लेकिन फिर भी इंडिया को फ्रीडम दिलाने में यहाँ पे नेताजी सुभाष चंद्र बोस का बहुत बड़ा योगदान है। वो ग्रेट लीडर भी थे। अब नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में हमें पढ़ना है, तो यह इसमें हम क्या पढ़ेंगे, आजाद हिंद सेना के बारे में पढ़ेंगे। आजाद हिंद सेना कब स्टार्ट हुई, इसके बारे में पहले पढ़ने से पहले हमें यह पता होना चाहिए, तो सेकंड वर्ल्ड वॉर यानी कि दूसरा महायुद्ध कभी लड़ गया, तो उसकी स्टार्ट हुई थी 1939 दूसरा महायुद्ध शुरू झालं, और इसकी शुरुआत कहां से हुई थी, तो जर्मनी से हुई थी। जर्मनी का जो रूलर है हिटलर ने यहाँ पे रूल करना स्टार्ट किया है। किसने स्टार्ट किया है, हिटलर ने रूलर बनाया, और उसके बाद उसने और सेकंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट किया है। और वहां पे सेकंड वर्ल्ड वॉर जैसे ही स्टार्ट होता है, तो जो ब्रिटिश थे वो जर्मनी के अपोज में थे, विरोधात होते। जर्मनी एंड ब्रिटन इंग्लंड एकमेकाच्या विरोधात होतं, आणि जसं दुसरं महायुद्ध सुरू झालं उसी समय इंग्लंडने एक बात डिक्लेअर कर दी। क्या भाई बात डिक्लेअर करेंगे, इंडिया भी यानी भारत भी सेकंड वर्ल्ड वॉर में दूसरे महायुद्धामध्ये पार्टिसिपेट हो रहा है, सहभागी होतोय। किसकी तरफ से, इंग्लंड की तरफ से। इसका मतलब हो हम किसके खिलाफ लड़ेंगे, जर्मनी के खिलाफ लड़ेंगे। जर्मनी का एक और दो चार दोस्त भी थे, जर्मनी इटली जापान, कौन कौन थे, जर्मनी इटली जापान, इसके खिलाफ हम लड़ेंगे, ऐसा इनडायरेक्टली डिक्लेयर कर दिया। पूछा नहीं है किसी भी इंडियन पॉलिटिकल लीडर को। जैसे ही यहाँ पे इन्होंने डिक्लेयर कर दिया, तब यहाँ पे एक प्रॉब्लम स्टार्ट हुई थी। महात्मा गांधी है, राष्ट्रीय सभा है यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस है, इन्होंने इस चीज को अपोज करना स्टार्ट किया था। अब ये वॉर स्टार्ट होता है, अपोज किया, कुछ भी फर्क नहीं गया, इंग्लैंड ने कुछ बात सुनी नहीं, अपोज किया है, तो इस वजह से भारत की आर्मी यानी फौज भी इंग्लैंड के लिए लड़ने लगी। किसके खिलाफ लड़ने लगी, अब यहाँ पे तो जर्मनी के खिलाफ लड़ने नहीं गई, तो एशिया में जापान के खिलाफ लड़ने लगी। किसके खिलाफ, जापान के खिलाफ भारतीय फौज इंग्लैंड के लिए लड़ने लगी। और जैसे ही इनका लड़ना स्टार्ट होता है, तब कंडीशन चेंज हुई, बहुत सारी भारतीय सोल्जर्स को जापान ने पकड़ लिया, अरेस्ट कर ली, और इन्हीं पकड़े हुए भारतीय सैनिकों को सबको साथ में लाने का काम किया है रास बिहारी बोस। नाम याद रखो, रास बिहारी बोस ने क्या किया, जो भारतीय सैनिक या आर्मी की पर्सन है उन जिनको अरेस्ट किया था, उन सभी को कहां पे लेके आए हैं, एक साथ लेके करके जापान से फ्री किया, जापान में रखा लेकिन जापान से फ्री किया, और एक आजाद हिंद सेना नाम की एक फौज बनाने के बारे में उन्होंने सोच लिया। अब ये सोच गया, अब यहाँ पे इंडियन नेशनल, अब यहाँ पे फौज जैसे बनती है, तो उन्होंने इन्वाइट किसे किया है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को। किसे इनवाइट किया है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को इनवाइट किया है, आप क्या करो जापान में आओ और आजाद हिंद सेना की लीडरशिप करो। किसने कहा है, राज बिहारी बोस ने। किसे कहा है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को कहा है। इस वजह से नेताजी सुभाष चंद्र बोस जापान गए, उन्होंने क्या किया है, जापान में जाके आजाद हिंद सेना बनाने का काम किया है, और वहां पे उन्होंने जापान की तरफ लड़ते
जापान की तरफ से लड़ते लड़ते इंडिया की तरफ आए थे, उन्होंने आगे आके सिंगापुर कैप्चर कर लिया। क्या कैप्चर कर लिया? सिंगापुर। आजाद हिंद सेना ने जीत लिया और वहां पे आजाद हिंद सरकार बना दी। हिंद सरकार बनाने का काम आजाद हिंद सेना ने सिंगापुर में किया। उसके बाद उन्होंने 1943 में अंडमान और निकोबार भी जीत लिया, जो हमारे आइसलैंड है ना बेटो, नॉर्थ का एंट, वो आजाद हिंद सेना ने जीत लिए और उस वहां पे भी वो उन्होंने अपनी गवर्नमेंट चला दी। किसने? आजाद हिंद सेना ने। तब नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने एक स्लोगन बोली थी, म्हणजे नेताजी सुभाष चंद्र बोसांनी एक वाक्य बोललो होतं, ते त्यावेळेस खूप प्रसिद्ध झालं होतं। क्या था? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। क्या कहा था? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बात उस समय में बहुत फेमस हुई थी। उसके बाद एक साल के बाद 1944 में आरकान का जो प्रोविंस है यानी प्रांत है वो भी आजाद हिंद सेना ने जीत लिया है। क्या? कौन सा प्रांत जीत लिया है? आरकान प्रोविंस यहाँ पे जीत लिया है। उसके बाद आसाम तक पहुंचे, इम्फाल, जो आसाम का पार्ट है ना इम्फाल, वहां तक आसाम तक आजाद हिंद सेना पहुंच चुकी है। लेकिन यहाँ पे जापान के ऊपर क्या हुआ है? तो अणुबॉम्ब गिरने की वजह से सपोर्ट नहीं मिला और बहुत कठिनाई से जूझते हुए आजाद हिंद सेना ने लड़ने का काम किया, लेकिन यहाँ पे उन वो आगे नहीं आ सके। ये हुआ आजाद हिंद सेना के बारे में। अब इसके बाद हमें देखना है 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन, म्हणजे इंग्लिश में कहेंगे क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन यानी क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में यहाँ पे हमें पढ़ना स्टार्ट करना है। अब क्विट इंडिया मूवमेंट जब हम पढ़ेंगे तो यहाँ पे हमें कहाँ पे उसकी स्टार्ट हुई थी या और क्या क्या हुआ था इसके बारे में पढ़ना स्टार्ट करना। अब आजाद हिंद क्विट इंडिया मूवमेंट यानी भारत छोड़ो आंदोलन जैसे ही स्टार्ट होता है, कब हुआ था? 7 अगस्त 1942। कब हुआ ये? 7 अगस्त 1942 में यहाँ पे आजाद, एक मिनट ना क्लियर कर लेता हूं ताकि लिखने में आसानी हो। क्विट इंडिया भारत छोड़ो, 7 अगस्त कब याद रखो, 7 अगस्त, 8 अगस्त एंड 9 अगस्त, ईयर 1942, 7 अगस्त 1942, 8 अगस्त 1942 एंड 9 अगस्त 1942। इसमें क्विट इंडिया मूवमेंट यानी भारत छोड़ो आंदोलन में बहुत बड़ा रोल है। 7 अगस्त में यहाँ पे इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी राष्ट्रीय सभा की एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई थी मुंबई में। कहाँ पे ऑर्गेनाइज की गई थी? मुंबई में मीटिंग ऑर्गेनाइज की थी, ग्वालियर टैंक ग्राउंड पे। कहाँ पे थी? ग्वालियर टैंक ग्राउंड, मुझे ग्वालियर टैंक मैदानावर यहाँ पे ये मीटिंग ऑर्गेनाइज की थी। इस मीटिंग के चीफ कौन थे? मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। आजाद इसके चीफ थे। इनकी लीडरशिप में वो एनुअल म्हणजे वार्षिक सभा इंडियन नेशनल कांग्रेसची आयोजित केली होती और उसमें 8 अगस्त को एक डिसाइड किया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक बात कही थी, क्विट इंडिया मूवमेंट हम स्टार्ट करेंगे। ये बात उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस के सामने रखी, सभी ने इसे सपोर्ट किया था। मान्य किसने बोला था? नेहरू ने। सभी ने इसको सम्मति दी थी यानी परमिशन दी थी, हाँ हम क्विट इंडिया मूवमेंट
स्टार्ट करेंगे इसके बारे में कहा था महात्मा गांधी जी ने, तब लोगों से कुछ बातें कही थी। क्या कहा था? तो उन्होंने कहा था ये जो क्विट इंडिया मूवमेंट यानी भारत छोड़ो आंदोलन है, ये सिर्फ इंडियन नेशनल कांग्रेस का यानी राष्ट्रीय सभा का नहीं होगा, ये सभी भारतीयों का होना चाहिए, ये कहा था सेम टाइम। और यहाँ पे और एक बात कही थी इस महात्मा गांधी ने, क्या कहा था, अब इस पॉइंट से या इसी टाइम से हम फ्रीडम है, हमें फ्रीडम मिला है, म्हणजे आपण स्वतंत्र झाला आहोत, ऐसा आपका बिहेवियर होना चाहिए, म्हणजे अशी तुमची काय पाहिजे वर्तणूक चाहिए। और यहाँ पे ये सब करने के लिए उन्होंने एक स्लोगन बताई थी, कौन सी, करेंगे या मरेंगे। क्या कहा था गांधी जी ने, ये हमारी लास्ट की फाइट होगी, इस फाइट में हम डिसाइड करेंगे एक तो फ्री होगे, फ्रीडम मिलेगा, या हमारी डेथ होगी, करेंगे या मरेंगे, यानी क्या, एक तो हम जीतेंगे या नहीं तो यहाँ पे हम मर जाएंगे, ऐसे एक मंत्र या ओथ महात्मा गांधी जी ने बनाई थी। अब इसके लिए महात्मा गांधी जी को ने ये बात कही, अब इंडियन ब्रिटिश गवर्नमेंट डर गई, तब अब यहाँ पे 8 अगस्त 7 अगस्त को ये हुआ, 8 अगस्त को ये हुआ, अब 9 अगस्त को क्या हुआ, सनलाइट, मुझे पहाटे 4 बजता, कितने 4 बजे मुंबई में जितने भी इंडियन नेशनल कांग्रेस के लीडर है थे, राष्ट्रीय सभी जेवड़े का ही नेते होते, अरेस्ट करण्यात आले, म्हणजे तुरुंगात टाकण्यात आले, मुंबई ठेवलं का, नहीं मुंबई में नहीं रखा, सबको पकड़ के लाया है, गांधी जी को पकड़ा है, उन्हें कहां पे लाया है, पुणे में आगा खान पैलेस में, कहां पे रखा है, पुणे में आगा खान पैलेस से वहां पे उन्हें अरेस्ट दिया। उसके बाद नेहरू, पटेल, वल्लभ पंत, नरेंद्र देव, इन जैसे लगभग 11 लोगों को पकड़ के कहां पे लेके आए हैं, याद होगा आपको, ये प्लेस पता है, अहमदनगर फोर्ट, किले में जाने के बाद हम देखते हैं ना वो लोग कब आए हैं नगर में, 9 अगस्त 4 AM को उन्हें नगर में के किले में लेके आए हैं, भैया मुंबई से निकले 9 अगस्त में के दिन वो नगर के फोर्ट में आके वहां पे रखा है लगभग 2-4 साल के लिए, यहाँ पे 2-2.5 साल के लिए इन सभी को वहां पे अरेस्ट करके रखा है। और जितना ही सिर्फ लीडर को अरेस्ट करके चुप नहीं बैठे ब्रिटिश सभा, सभा भाषणे मोर्चे निदर्शने यांच्यावर बदली घातली, यानी क्या, पब्लिक मीटिंग है, स्पीचेस है, प्रोटेक्शन से मार्च है, इन सभी को यहाँ पे ब्रिटिश इंडिया ने, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सभी को बंद कर दिया है, फिर भी लोग चुप नहीं बैठे थे क्योंकि मैसेज तो लोगों तक पहुंच चुका था। इस वजह से महाराष्ट्र में चिमूर, आष्टी, यावली, महाड़, गारगोटी, यहाँ पे ये मूवमेंट रन कंटिन्यूसली रन हुई थी। अब ये हुए, अब जो ये सब जो लीडर पकड़े गए थे ना, ये फर्स्ट पहले फरी थे, मुझे फर्स्ट फेज के लीडर है, मुझे ये मेन लीडर थे, ये सब क्या है, मेन लीडर थे। अब इसके बाद सेकंड फेज के थे, मुझे दूसरे फरीतले नेते होते जो सोशलिस्ट आइडियोलॉजी के थे, मुझे समाजवादी विचार सरणी से व्यक्तिमत्व होते, त्यामध्ये कौन होते, अच्युतराव पटवर्धन असते, राम मनोहर लोहिया असते, एसएम जोशी असतील, नाग गोरे असतील, कोण, अच्युतराव पटवर्धन, राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश मेहता, एनजी गोरे, एसएम जोशी, इन लोगों ने अब यहाँ पे लीडरशिप की है सेकेंड फेज की। इस डेट के बाद लीडर कौन बने हैं, सेकेंड फेज के लीडर बने, जैसे ये नाम याद रखो, राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश मेहता, एसएम जोशी, एनजी गोरे, एसएम जोशी हो गए, अच्युतराव पटवर्धन। अब ये सभी समाजवादी यानी सोशलिस्ट लीडर से इन्होंने अपना काम करना स्टार्ट किया, अब लोगों को लीडर या लीड करके
लोगों से काम करवा या जो मूवमेंट है वो रन करने का काम ये कर रहे थे। इसके सिवा कुछ ऐसे ग्रुप बने थे जो काम कर रहे थे, करजत तालुका में भाई कोतवाल, कौन, करजत तालुका में भाई कोतवाल नाम का एक आदमी था, उसने भी एक अपना ग्रुप बना दिया। अब लीडर तो नहीं ना, ये ही लीडर बने और इंडिया को फ्रीडम दिलाने में ये लोग काम करने लगे। ये थे करजत में भाई कोतवाल। करजत तालुका में भाई कोतवाल ने क्या काम किया है, अपना एक ग्रुप बना दिया है और उसे नाम दिया है आजाद दस्ता, आजादी के लिए काम करने वाला आजाद दस्ता नाम का एक ग्रुप बनाए। इसके बाद नागपुर में निम्मे भी ऐसे ग्रुप बने, कहाँ पे, नागपुर में भी ऐसे ग्रुप बने हैं और इस ग्रुप के जनरल आवारी ने बनाया था ये, और इस आवारी ने इसका क्या नाम दिया, लाल सेना। क्या नाम रखा था, लाल सेना, जो खून दे के आजादी का काम करने के लिए रेडी थी। ऐसे ग्रुप बनने लगे। इसके सिवा मुंबई में विट्ठल जोशी, विट्ठल जोशी के सिवा उनके साथ ही उषा मेहता, उन्होंने एक ट्रांसमीटर सेक्शन स्टार्ट किया था, यानी रेडियो स्टेशन स्टार्ट के लोग कुनी विट्ठल जोशी एंड उषा मेहता ने, और उसका नाम रखा था आजाद रेडियो, आजाद रेडियो नाम से एक रेडियो स्टेशन स्टार्ट किया है ताकि लोगों तक अपना मैसेज इजीली पहुंच सके। इसके सिवा ऑल ओवर इंडिया में भी ऐसे कुछ ग्रुप बने थे, महाराष्ट्र में के बारे में हमने पढ़ा है। ऑल ओवर इंडिया में कौन से थे, अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में बलिया एंड आजमगढ़ में ऐसे ग्रुप बने थे। इसके सिवा बिहार में भागलपुर और पूर्णिमा में ऐसे ग्रुप बने थे, बंगाल में मिदनापुर में ऐसा ग्रुप बना था, और महाराष्ट्र में सातारा में, कहां पे, महाराष्ट्र में सातारा में बना था। उसी सातारा के बारे में अब हमें पढ़ना है, किसके बारे में पढ़ना है, सातारा। सातारा जब भी यह नाम लेंगे तो यहाँ पे किसका नाम आएगा, क्रांति सिंह, ये इनका टाइटल है, उपाधि है, क्रांति सिंह नाना पटेल का नाम नहीं भूलना। इनका बहुत बड़ा रोल है 1942 के क्विट इंडिया मूवमेंट में। अब क्रांति सिंह नाना पटेल ने क्या काम किया इसके बारे में देखना है। इसकी जो गवर्नमेंट बनाई थी उन्होंने मराठी में क्या कहते थे, प्रति सरकार, इनकी जो गवर्नमेंट बनाई थी वापस सातारा में, इसके लिए उन्होंने नाम क्या था, प्रति सरकार, यानी ब्रिटिशों की को एक ऑप्शन की तरह हमारी गवर्नमेंट है, यानी इंग्लिश में पैरेलल गवर्नमेंट, पैरेलल गवर्नमेंट की नाम से उनकी गवर्नमेंट सातारा में स्टार्ट हुई है क्रांति सिंह नाना पाटिल ने। उन्होंने क्या किया है, सातारा में ब्रिटिश गवर्नमेंट टोटली बंद कर दी। यहाँ पे सातारा में क्या है, ब्रिटिश गवर्नमेंट बिल्कुल भी नहीं रहने दी। जहां जहां उनकी गवर्नमेंट बनी वहां पे जनतेच सरकार मिस पीपल गवर्नमेंट स्टार्ट की। क्या की है, पीपल की गवर्नमेंट, यानी कि जनता सरकार उन्होंने स्टार्ट की है। इसके सिवा अब गवर्नमेंट है तो टैक्स कलेक्शन करना जरूरी है, गवर्नमेंट चलानी है तो इन्होंने टैक्स कलेक्शन करना स्टार्ट किया, यानी कि कर गोड़ा करने का काम या सरकार ने चालू केले। सेम टाइम कायदा आणि सुव्यवस्था टिकवण्याचं काम ही सरकार करत होतं। कायदा आणि सुव्यवस्था यानी क्या, लॉ अँड ऑर्डर मेंटेन करने का काम, मीन्स गवर्नमेंट बना दी ऐसे नहीं, पूरा प्रॉपर काम भी यहाँ पे ये करते थे, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का काम करती। अगर कोई केस आ गए, कोई कौनता खटला आला एखादा, तो उसका उसका जजमेंट यानी रिजल्ट निकाल देने का काम देखी पैरेलल गवर्नमेंट यानी प्रति सरकार करती थी। इसके सिवा किसी की गलती है, उसे पकड़ा गया है, तो उसको पनिशमेंट म्हणजे त्या व्यक्तीला शिक्षा करण्याचं, तुरुंगात टाकण्याचं काम देखील हे प्रति सरकार यानी पैरेलल गवर्नमेंट कंटिन्युअसली करती थी। ये इनका एक बहुत बड़ा काम है। इसके सिवा अब भारत को फ्रीडम मिला है, जैसे भारत इतना सारा होने के बाद भारत को फ्रीडम मिला है,
और फ्रीडम मिलने के बाद मिलने वाला था, मिला नहीं मिलने वाला था, तब मुस्लिम लीग ने एक डिमांड कर दी। क्या डिमांड की? हमें हमारा खुद का एक क्या चाहिए, देश चाहिए, कंट्री चाहिए। बैरिस्टर जिना ने डिमांड की है हमें हमारा पाकिस्तान चाहिए। इस वजह से अब भारत फ्रीडम मिलने वाला था तो एक देश के दो टुकड़े यहां पे कुछ लोगों की वजह से हो गए। बैरिस्टर जिना की जैसे लोगों की वजह से यहाँ पे इंडिया, जो बहुत बड़ा हमारी कंट्री बहुत बड़ी थी, अब धीरे धीरे कम गई। तो वो एक पाकिस्तान और बांग्लादेश, आज का बांग्लादेश, ऐसे दो हिस्सों में, दो टुकड़ों में और भारत बड़ी है। ये क्या इंडियन नेशनल कांग्रेस के बहुत सारे लीडर्स नहीं चाहते थे कि क्या हो, भारत के टुकड़े हो? फिर भी 15 अगस्त को पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान, उस समय बांग्लादेश तो 1971 में हुआ था, उससे पहले ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान, पाकिस्तान ऐसे दो ग्रुप बने थे, कंट्रीज बने, एक ही कंट्री थी लेकिन ईस्ट और वेस्ट में थी। अब ये दो बनी थी, ये आजादी से इतनी आसानी से नहीं बनी है। लोगों का अपोज था, इस वजह से लोग अपने ही देश को जलाना स्टार्ट कर चुके थे, हिंसक बने थे, आपस में मारना स्टार्ट किए थे, क्योंकि उनको अपनी एक अलग सी कंट्री चाहिए थी। इस वजह से 14 अगस्त को पाकिस्तान बना ऐसा कहा जाता है और 15 अगस्त को इंडिया को फ्रीडम मिला ऐसा कहा जाता है। और इसके बाद इंडिया को फ्रीडम मिलने के बाद हमने 15 अगस्त को इंडिया का, इंडिया को फ्रीडम मिला है। और इसके बाद 1947 और 26 जनवरी 1950 में हमारा हमने क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट किया है। और कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान, संविधानाचा स्वीकार या ठिकाणी आपण 26 जानेवारी 1950 साली केला। आणि त्यापासून आपण डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाए, तो उन्हें का आर्किटेक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधानाचे शिल्पकार के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें स्वातंत्र्य, समता, बंधुता, लोकशाही, मीन्स इक्वेलिटी, लिबर्टी, फ्रीडम, फर्टिलिटी, जस्टिस, इतनी सारी बातें यहाँ पे उसमें इंक्लूड है। और वहां से 1947 से हम कंटिन्यूसली अच्छी तरह से इंडिया में रह रहे हैं। उसके बाद का किसने भी इंडिया की तरह रूल नहीं किया। यहाँ पे हमारा यूनिट नंबर 6 खत्म होता है। ओके, थैंक यू। हाँ, इसकी एक्सरसाइज कंप्लीट करो। बहुत सारे स्टूडेंट ने एक्सरसाइज कंप्लीट नहीं की है, ओनली लिमिटेड स्टूडेंट्स ने ही, थोड़े विद्यार्थ्यांनी स्वाध्याय सोडून माझ्याकडे पाठवलेला आहे व्हाट्सअपला, ज्यांचा राहिलाय त्यांनी सर्व प्रकरणाचा स्वाध्याय सोडून घेणार, दाखवायचाय, पाठवायचाय। आणि ज्या दिवशी आपलं कॉलेज चालू होईल त्याच दिवशी मी सर्वांच्या नोटबुक चेक करायला एकाच दिवशी घेणार आहे। त्यावेळेस कोणालाही कोणत्याही बाबतीत नो एक्सक्यूज दिया जाएगा, सभी को ने उसी दिन हमें आपको नोटबुक चेकिंग के लिए देनी होगी। ओके, और बहुत सारे स्टूडेंट्स वीडियो नहीं देखते, कुछ लोग देखते हैं, कुछ लोग देखते भी नहीं, तो आप देखना स्टार्ट करो। 12th का ईयर है, अगर आपने नहीं देखा तो आपको ज्यादा परेशानी होगी, हमें कुछ नहीं होगा। आपका 12th का ईयर है, अगर ये नहीं देखोगे, अंडरस्टैंड नहीं करोगे, हिस्ट्री की ज्यादा कुछ कोई क्वेश्चन भी नहीं पूछता, यानी कि एक एक तो दो बातें इसमें से, एक तो पूरा समझ में आता है या कुछ भी नहीं समझ में आता। आप पूछोगे तो समझ में आएगा, कुछ समझ में आ रहा है नहीं, यार मैं तो ऐसा समझ लूंगा, हिस्ट्री का सभी को सभी समझ में आ रहा है। तो आपको कुछ भी परेशानी हो तो हिस्ट्री के बारे में पूछो, स्टडी करो, सो एक्सरसाइज यानी स्वाध्याय सॉल्व करो। और जल्दी हम जैसे कॉलेज स्टार्ट होते होंगे उस दिन मिलेंगे। अगर यहाँ पे हमारा सिलेबस कंप्लीट होता है तो जैसे आप आते हैं तो हम पूरे बुक का एक बार फिर से रिवीजन लेंगे। इसके आपकी तब भी कुछ परेशानी हो, कुछ पार्ट नहीं समझा हो, तब हम वो क्लियर कर देंगे। ओके, थैंक यू।